तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज हम यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर के लिए वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन और उनके उत्तर देखने वाले हैं। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा देख कर जाइएगा, ताकि आप सभी को ये सभी के सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो चलेगा, बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। समझते हैं कि इस बार आपसे त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो चलेगा, आप यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले हम दो अंक वाले क्वेश्चन, तो देखो दो अंक वाले क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन, कल्पनादर्श यूटोपिया से क्या तात्पर्य है। इस वाले क्वेश्चन के आंसर को आप लोग नोट कर लो, ये इसका उत्तर दिया गया है। और उसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन, रूढ़िवादी किन पारंपरिक संस्थाओं को बनाए रखने के पक्ष में थे। देखो इसका उत्तर लिखा है, रूढ़िवादी राजतंत्र, सामंतवाद, चर्च और परिवार जैसी पारंपरिक संस्थाओं को बनाए रखने के पक्ष में थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दो प्रमुख राज्यों के नाम। देखो बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत सर्बिया और ग्रीस आते हैं। अगला क्वेश्चन, उदारवाद का अर्थ बताइए। तो देखिएगा उदारवाद का क्या अर्थ है, यहाँ से आप लोग देख लें, ये लिखा है, पूरा का पूरा उत्तर नोट कर लो आप सब लोग। यहाँ से ये उदारवाद का अर्थ दिया गया है। अगला क्वेश्चन, बहिष्कार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखो इसका उत्तर लिखा है, बहिष्कार का अर्थ है किसी को सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक रूप से अलग थलग करना या उसके साथ संबंध तोड़ना। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया, दो कारण आपको बताने। तो देखो इसका उत्तर ये लिखा है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया क्योंकि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था और भारतीयों को अपने देश के शासन में शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, इस प्रकार से आप सब लोग इसको समझ लें। अगला क्वेश्चन, यहाँ से आप लोग इसको याद कर लोगे, दबाव समूह क्या है। देखो इसका उत्तर होगा, दबाव समूह एक ऐसा समूह है जो किसी विशिष्ट हित या मुद्दे को बढ़ावा देने और सरकार पर दबाव डालने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसके उत्तर को भी नोट कर लो, ये वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है सभी के सभी जो आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में देखो, निरंकुशवाद को परिभाषित कीजिए। देखिएगा निरंकुशवाद को कैसे परिभाषित करना है। निरंकुशवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है जहाँ एक व्यक्ति या समूह के पास पूर्ण शक्ति और नियंत्रण होता है और उनमें कोई सीमा और जवाबदेही नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, सतत पोषणीय विकास क्या है, ये भी आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इसके उत्तर को जानते हैं। तो देखो इसका उत्तर ये लिखा है कि सतत पोषणीय विकास क्या है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, भू संरक्षण के उपाय। तो देखो यहाँ से आप सब लोग भू संरक्षण के उपायों को नोट कर लो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, इसका उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, राष्ट्रीय आय क्या है। यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लें। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो, भू संरक्षण के उपाय आपको लिखने हैं। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय क्या है, ये अपन देख रहे थे तो इसको आप लोग याद कर लेना अच्छे से। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय क्या है। और उसके बाद में देखो, प्रचंड या गुप्त बेरोजगारी से क्या आप समझते हैं, ये भी आपके पेपर में पूछा जाएगा। और उसके बाद में देखो, द्वितीय क्षेत्रक एवं तृतीय क्षेत्रक क्या होते हैं। तो चलो अब इसके आंसर को समझते हैं। तो देखो ये इसका आंसर लिखा है, द्वितीय क्षेत्रक क्या है, यहाँ से आप सब लोग इसके आंसर को नोट कर लो। और उसके बाद में देखो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन, जैव विविधता क्या है, ये वाला भी आपको याद करना है पूरा का पूरा, और ये पूरा का पूरा आंसर आप लोग यहाँ से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, जल दुर्लभता क्या है। तो देखो जल दुर्लभता क्या है, ये लिखा है, इसका आंसर पूरा का पूरा आप लोग देख लो। और ये इसका आंसर यहाँ से आप सब लोग देख लीजिएगा, इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा याद करना होगा। जल दुर्लभता वाला क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लो। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से याद कर लो, असहयोग आंदोलन के कारण अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित असर पड़ा। क्या क्या, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, किसानों ने करों का भुगतान करने से इनकार कर दिया और आंदोलन के दौरान हड़तालें और विरोध प्रदर्शन हुए। ठीक है, यहाँ से याद कर लो। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, ये भी वेरी मोस्ट टाइम पी है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखी है। तो देखो ये रिपोर्ट है, आप लोग लिख दें यहाँ से। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करता है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको भी याद कर लें। अब इसके बाद में हम इधर आ जाते हैं। तो देखो इधर ये लिखा है, तो सामाजिक विभाजन कैसे राजनीति को प्रभावित करता है, मतदान के पैटर्न को प्रभावित करता है, राजनीतिक दलों के गठन और समर्थन के प्रभावित करता है, नीतियों और कार्यक्रमों के निर्धारण को प्रभावित करता है, सामाजिक तनाव और संघर्ष, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक का देख लो। अगला क्वेश्चन, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे एक अलग विशेषता आपको बतानी है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको भी देख ले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अब यहाँ से आपके तीन अंक वाले क्वेश्चन की शुरुआत हो गई है। पहला क्वेश्चन है तीन अंक में आपका, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया। और चलो अब इसके उत्तर को देख लेते हैं। तो देखो इसका उत्तर ये लिखा है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला लिया
चोरा चोरी घटना के कारण लिया, जहां उत्तर प्रदेश में प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी ने हिंसा को आंदोलन के लिए हानिकारक माना और आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया ताकि आंदोलन को शांतिपूर्ण प्रगति बनी रहे। तो यहाँ से आप सब लोग इसके आंसर को देख लें। अगला क्वेश्चन, भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? तो यहाँ से आप सब लोग इसके आंसर को भी देख लें, ये इसका आंसर दिया गया आपको। अगला क्वेश्चन, बोलीविया में जल आंदोलन क्यों हुआ, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लें, ये लिखा पूरा का पूरा, मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, तो ये आगे का उत्तर ये दिया गया, आप सब लोग नोट कर लोगे। अगला क्वेश्चन यहाँ से याद कर लो, जन आंदोलन सरकारी नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? देखो इसका उत्तर यहाँ से देख लो, ये लिखा है जन आंदोलन सरकारी नीतियों को निम्न तरह से प्रभावित करते हैं। पहला, नीतियों में बदलाव करते हैं, नई नीतियों का निर्माण करते हैं और सरकार की जवाबदेही तय करते हैं। अगला क्वेश्चन, बांगर भूमि और खादर भूमि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो बांगर भूमि में क्या अंतर है, यहाँ से देख लें आप सब लोग इसको और पूरा का पूरा इसको समझ लें। और इसके बाद में देखो ये इसका अंतर ये यहाँ पर आपको दिया गया है, देख सकते हो क्या लिखा है, पूरा का पूरा अंतर यहाँ से आप लोग याद कर लो। अब इसके बाद में देखो खादर भूमि में अंतर ये लिखा है, आप सब लोग देख लो। अगला क्वेश्चन, भारत में जल के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो देखो एक तो वर्षा जल, एक भूमिगत जल और उसके अलावा देखो अब इधर आते हैं तो यहाँ से लिख लें नदियों और झीलों का जल। तो ये वेरी वेरी मोस्ट टाइम पी है, बिल्कुल आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा ये। अगला क्वेश्चन, दारणीयता का विकास विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखो इसका उत्तर यहाँ से कंप्लीट कर लो आप सब लोग यहाँ तक का, और उसके बाद में देखो ये पूरा का पूरा आंसर है। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2005 के अधिनियम के 3 प्रावधान। तो देखो पहला प्रावधान है 100 दिन का रोजगार मिलेगा इसमें, और उसके बाद में अगला देखें तो देखो अगला प्रावधान है न्यूनतम मजदूरी और रोजगार की गारंटी का दावा। ठीक है, तो यहाँ तक का आप सब लोग इसको देख लें। और उसके बाद में हम यहाँ पर 4 अंक वाले क्वेश्चन जानने वाले हैं। 4 अंक वाले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, अपने शासनकाल वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादातर कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? देखो इसका उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग देख लेंगे यहाँ से और पूरा का पूरा इसको अच्छे से याद कर लोगे। ठीक है, यहाँ तक का मैंने बता दिया आपको। उसके बाद में इधर आ जाते हैं तो देखो ये इसका उत्तर लिखा है पूरा का पूरा, आप लोग देख लें और अच्छे से पूरा का पूरा इसको कंप्लीट कर ले, यहाँ तक का पूरा कंप्लीट कर लो आप लोग। और उसके बाद में ये लिखा है, और अगला क्वेश्चन, यूरोपीय शक्तियों का ये पूरा का पूरा इसी का उत्तर है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ से आप लोग देख लें और इसको समझ भी लें। देखो यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया पूरा, अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। देखो एक ये वाला क्वेश्चन, ये भी वेरी वेरी मोस्ट टाइम पी है, बिल्कुल आपके पेपर में आएगा। नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का असरदार प्रतीक था। देखो इसका उत्तर ये दिया गया है। और एक अगला क्वेश्चन ये, कल्पना कीजिए कि आप सिविल नाफरमानी आंदोलन में हिस्सा लेने वाली एक महिला है। देखो इसका उत्तर यहाँ से आपको इस प्रकार से देख कर पूरा का पूरा लिख देना है। ठीक है, अब इसके बाद में हम इधर आते हैं तो यहाँ से आप सब लोग इसको भी देख लें, ये आगे का आपका सोल्यूशन है और पूरा का पूरा कंप्लीट कर लें। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो अपने आसपास आपने देखे हो। तो देखो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और वनस्पति विनाश, ये इसके पॉइंट्स होंगे। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, संगठित और असंगठित क्षेत्र के क्षेत्रकों के रोजगार की परिस्थितियों की तुलना आपको करनी है। तो यहाँ से आप सब लोग देख लें संगठित क्षेत्र में क्या क्या होता है और असंगठित क्षेत्र में क्या क्या होता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आंसर मैंने यहाँ से आपको बता दिया। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं और आपके आगे के पेपर इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। देखो एक ही वाला क्वेश्चन, करियर के विकास के अवसर नहीं मिलते हैं, और अगला क्वेश्चन ये था, तृतीयक क्षेत्र अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है, आपको बताना है। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख लो आप सब लोग, पूरा का पूरा ये इसका उत्तर यहाँ पर आपको दिया गया। तो यहाँ तक का पूरा आप लोग नोट कर लो और इसको अच्छे से याद भी कर लो। और उसके बाद में इधर आ जाते हैं, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसका आंसर लिखा है, और यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो। व्याख्या कीजिए कि एक देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है। देखो इसका उत्तर ये दिया गया पूरा का पूरा, आप लोग नोट कर लो इसको ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको लिख कर आ सको। अब प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग ये सॉल्यूशन वाली पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, गूगल को ओपन करना है और गूगल पर आपको इस वेबसाइट पर चले जाना है, देख लीजिएगा www.rajeshsir.co.in। यहाँ पर मैंने आपको ये जो मैंने सॉल्यूशन बताया है इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ बनाकर उपलब्ध करवा दी है, आप चाहे तो वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।